हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स हाउस यूट्यूब चैनल। लेटेस्ट स्पोर्ट्स के अनबॉक्सिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आज फिर से हम एक रिव्यू लेके आए हैं एक नए प्रोडक्ट का, जो है बैडमिंटन रैकेट कंपनी योनेक्स का, जिसका नाम है योनेक्स नैनोरे लाइट 11i, जो लाइट सीरीज का एक और मेंबर है। तो इस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस परफॉर्मेंस जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। मेरा नाम है मोनीश, तो स्टार्ट करें। पहले हम प्रोडक्ट के कवर का रिव्यू कर लेते हैं। ये है हमारे प्रोडक्ट का कवर। जैसे कि मैं आपको अपनी हर वीडियो जो नैनोरे सीरीज की होती है, मैं उसमें आपको बताता हूँ कि ये जो कवर है, ये नैनोरे का कवर आता है। सेम कवर आता है हर नैनोरे रैकेट के साथ, जिसमें योनेक्स की यहाँ ब्रांडिंग होती है, यहाँ पे नैनोरे सीरीज का नाम होता है, काफी अच्छी थिकनेस होती है। जो मैंने आपको पहले नहीं बताया है, शायद वो बताना चाहता हूँ, कि ये जो कवर है वो एक वाटर रेजिस्टेंट कवर है, जिसमें पानी, हम ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल भिगाने पे भी पानी नहीं जाएगा, बट एक अच्छी काफ़ी क्वांटिटी तक वाटर एंटर नहीं होने देता है। एक फ्लेक्सिबल कवर है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कवर है, काफ़ी अच्छा फ्लेक्सिबल हो जाता है ये। एक रैकेट इसमें सफिशेंट रहेगा और एक रैकेट को सेव करने के लिए बहुत सही कवर है। तो ये है हमारा बैडमिंटन रैकेट। अब सबसे पहले हम इसके स्पेसिफिकेशंस के ऊपर आते हैं। तो इसके स्पेसिफिकेशंस है, वो है इसकी डेमो स्ट्रिंग। सबसे पहली चीज, डेमो स्ट्रिंग के साथ मुझे ये रैकेट मिला था। इसका जो हेड है वो लाइट है, हैवी नहीं है। अगर आप हैवी हेड की तरफ जा रहे हैं तो हैवी नहीं देखने को मिलेगा। इसमें जो हेड वेट है वो काफ़ी लाइट है। जो दूसरी चीज़ है वो है इसका आइसोमेट्रिक टेक्नोलॉजी होना। जो इसका हेड है वो आइसोमेट्रिक टेक्नोलॉजी यूज़ करके बनाया गया है, ओवल शेप नहीं है, आइसोमेट्रिक का यूज़ किया गया है इसमें। इसके अलावा जो इसका हेड है वो हाई मॉड्यूलस ग्रेफाइट से बना हुआ है। तो जो शाफ्ट है वो भी हाई मॉड्यूलस ग्रेफाइट का यूज़ करके बनाई गई है। ये एक मेटल है जिसका यूज़ किया गया है इस रैकेट को बनाने के लिए। तो इसको हम, क्योंकि हेड और शाफ्ट दोनों ही हाई मॉड्यूलस ग्रेफाइट यूज़ किया गया है, इसलिए इस रैकेट को हम फुल ग्रेफाइट रैकेट कह सकते हैं। इसका जो कलर है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा है, वाइट कलर का यहाँ तक फ्रेम है, यहाँ पे येलोइश कलर है, येलो और वाइट का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। जब मैंने इस रैकेट को वे किया तो वजन करीबन 83-82 ग्राम्स के आसपास आया था, लेकिन जो इस रैकेट पर मैंशन है 5U का मतलब होता है 75 ग्राम से लेकर 79.9 ग्राम के अंदर जिन भी रैकेट का वजन आता है उसको 5U कैटेगरी के अंदर लिस्ट किया जाता है। मेरे रैकेट का वजन ज़्यादा इसलिए आया क्योंकि मैंने इसको स्ट्रिंग्स के साथ ही मेजर कर लिया था। स्ट्रिंग्स के साथ थोड़ा सा वजन इंक्रीज हो जाता है, अगर आप इसकी स्ट्रिंग्स रिमूव कर देंगे तो जो रॉ रैकेट का वजन होगा वो इतना ही होगा। इसके अलावा इसकी जो टेंशन लेवल है वो है 20 LPS से लेकर 30 LPS तक। 20 LPS लोएस्ट है, 30 सबसे हाईएस्ट है। हालांकि 30 LPS की जरूरत पड़ती नहीं है, बट कंपनी ने अपनी तरफ से एक चॉइस दी है आपको। अब आप 25 करवाइए, 26 करवाइए, 27 करवाइए, 30 की जरूरत यूजुअली पड़ती नहीं है। ग्रिप साइज जो इसका है वो है G4 ग्रिप साइज, जो एक स्टैंडर्ड ग्रिप साइज होता है, ज्यादातर कंपनियां यूज करती हैं। अब आते हैं हम इस रैकेट के परफॉर्मेंस पे और देखते हैं कि ये रैकेट कैसा परफॉर्म करेगा। सबसे पहली जो चीज जो परफॉर्मेंस के ऊपर आती है इस रैकेट के, वो आती है इसका इंटरमीडिएट रैकेट होना। जी बिल्कुल दोस्तों, ये एक इंटरमीडिएट रैकेट है। ऐसा नहीं है कि बिगनर लोग इसको खरीद नहीं सकते हैं, जो बिगेन करते हैं रैकेट में, इंडस्ट्री में या फिर बैडमिंटन के अंदर, वो इसको खरीद सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ बेसिकली जो ये रैकेट है ये इंटरमीडिएट कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, इसलिए मैं इसको इंटरमीडिएट रैकेट का टैग दे रहा हूँ। इसके अलावा ये एक डिफेंसिव रैकेट है, अटैकिंग प्ले के लिए नहीं बना है, डिफेंसिव प्ले के लिए बेस्ट रहेगा। इसके अलावा जो इसका वजन है वो 5U कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। 5U कैटेगरी का मतलब है कि 75 से 80 ग्राम्स के बीच में जो रैकेट लाए करते हैं उनका वजन, जिनका इनका वजन इसके अंदर लाया करता है, वो 5U उसको कैटेगरी अलॉट की जाती है, जिसकी वजह से ये जो वजन है काफ़ी हल्का हो जाता है, काफ़ी लाइट हो जाता है। तो ये एक अल्ट्रा लाइट वेट रैकेट है। अगर आपको इतना लाइट वेट रैकेट से खेलना पसंद है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर पसंद नहीं है तो फिर आप एक हैवियर रैकेट एक ऑप्शन में चूज कर सकते हैं। जो अगली चीज़ है इस रैकेट में वो मैंने नोटिस करी थी, इसका आइसोमेट्रिक डिज़ाइन, आइसोमेट्रिक शेप, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आइसोमेट्रिक की वजह से स्वीट स्पॉट इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस ज़्यादा आती है, क्योंकि आपको शॉट्स ज़्यादा खेलने को मिलेंगे। स्वीट स्पॉट बड़े होने की वजह से शॉट्स ज़्यादा मिलेंगे, तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस रैकेट की इंक्रीज होगी ही होगी। जो अगली चीज़ है वो है एरोडायनामिक बॉक्स फ्रेम, जिसकी वजह से ये आप देख पा रहे होंगे रैकेट में एक बॉक्स फ्रेम बनाया हुआ है। ये बॉक्स टाइप का फ्रेम होता है, जिसकी वजह से जो बॉक्स के ऊपर कर्व होते हैं एयर रेजिस्ट नहीं करती, वो कर्व से मुड़ के ऊपर निकल जाती है, जिसकी वजह से
एयर रेजिस्टेंस कम हो जाती है, रैकेट की स्पीड बढ़ जाती है, रैकेट का कंट्रोल बढ़ जाता है, और वैसे भी ये एक लाइट वेट रैकेट है तो रिफ्लेक्स शॉट्स बहुत इजीली आ सकते हैं। तो ये रैकेट उनके लिए बेस्ट रहेगा जो नेट के आसपास प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उनके लिए उनकी पावर जो होती है वो रिफ्लेक्स शॉट्स लेने की ही होती है। जो अगली इसकी परफॉर्मेंस है वो है इस रैकेट का बिल्ट इन टी जॉइंट टेक्नोलॉजी से यूज होना। बिल्ट इन टी जॉइंट टेक्नोलॉजी उन रैकेट के अंदर यूज होती है जो रैकेट वन पीस फ्रेम के अंदर बनाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रैकेट वन पीस फ्रेम के अंदर बनाया गया है, इसलिए इसके अंदर बिल्ट इन टी जॉइंट टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जिससे इस रैकेट को ड्यूरेबिलिटी मिलती है, उसका वन पीस फ्रेम को काफी रेजिस्टेंस मिलती है, काफी मजबूती मिलती है। टी जॉइंट एक अंदर एक टी जॉइंट यूज किया जाता है इस वन पीस फ्रेम को सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा जो अगली चीज है वो है इस रैकेट का बनावट, इस रैकेट का मटेरियल। इस रैकेट में नैनो मैश नैनो ट्यूब का यूज किया गया है जो इस रैकेट को ड्यूरेबिलिटी देता है, इस रैकेट को मजबूत बनाता है, स्ट्रांग बनाता है, और इस रैकेट का जो फ्रेम है उसको अपनी पोजीशन रिटेन करने में बहुत हेल्प करता है, फास्टली रिटेन कर देता है। जो अगली चीज है वो है इसका गट्स। इसकी जो गट्स है वो डेमो गट्स के साथ मुझे रैकेट मिला था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भी था। इसके अलावा डेमो गट्स से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप गट्स चेंज कर सकते हैं, शायद आपको परफॉर्मेंस और बढ़िया मिल जाए रैकेट की। जो इसका बजट है दोस्तों वो इसका बजट है 2790 रुपए जो इसकी एमआरपी है, बट मार्केट में आपको ये 1800 2000 या 2200 के आसपास मिल सकता है। हो सकता है ये रैकेट आपको और भी सस्ता मिल जाए या महंगा मिल जाए, आपकी मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करता है और आप कहां से परचेज कर रहे हैं उस पे डिपेंड करता है, क्योंकि यूजुअली होता क्या है प्राइसेस फ्लक्चुएट होती रहती हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने रिव्यूज कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खेलते रहिए, हेल्दी रहिए और अपना ध्यान रखिए। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, जब भी मैं आपको किसी प्रोडक्ट का बजट बताता हूँ तो मैं उसके दो बेस पे आपका बजट डिसाइड करता हूँ, एक उसकी कंपनी की एमआरपी और एक उसका सेलिंग प्राइस। तो जो भी मैं आपको बताता हूँ उसकी एमआरपी और सेलिंग प्राइस वो फिक्स नहीं होता, वो फ्लेक्सिबल होता है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहता है। तो इस एमआरपी और प्राइस को सीरियसली मत लीजिएगा।